हेलो एंड वेलकम टू योर ओन चैनल लाइफ लाइन। दोस्तों हमें खेद है बिकॉज ऑफ आवर बिजी शेड्यूल लाइफ लाइन टीम इतना बिजी हो गया था कि हम लोग लास्ट सैटरडे एंड संडे का एपिसोड नहीं बना पाए। वी आर रियली वेरी सॉरी फॉर दैट बिकॉज वी नो वेरी मेनी ऑफ यू वेट फॉर द एपिसोड टू कम। बकवास सुनने के लिए हमें संडे को कम से कम 10 मिनट देना ही चाहिए, और ये बकवास क्योंकि थ्रू आउट द वीक हम लोग केवल काम की ही बातें करते रहते हैं। हमें भी जो कोई बात सुनाता है वो काम की ही बातें होती है, तो लाइफ लाइन आपको केवल बकवास ही सुनाएगा। आज के बकवास में हम लोगों ने क्या लाए हैं आपके लिए? दोस्तों हिंदी में कहा जाता है झप्पी, हग। क्या हम लोग हग करते हैं एक दूसरे को या फिर अपनों को? हाँ करते हैं। कैसा लगता है दोस्तों? यू नो इट कम्स अंडर टच थेरेपी। साइकोलॉजिस्ट से कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो मुंह से केवल बोलने से नहीं टच करने से ही हो जाता है। शोइंग एफेक्शन एम्पैथी, जैसे पीठ थपथपाना इज अ टाइप ऑफ टच थेरेपी। कुछ बोले नहीं मगर पीठ थपथपा दी इन द सेम मैनर। हम अपने बच्चों को हग करते हैं जब वो छोटे होते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं बहुत कम हग करते हैं, है ना? ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन क्या हम एक दूसरे को भी हग करते हैं? या फिर हस्बैंड एंड वाइफ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्स, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हगिंग, यू नो जब कोई हमें हग करता है तो उसका वार्मथ, उसके बॉडी में जो वार्मथ है, जो गर्मी है, या फिर उसके सांस हमारे सांस के इतनी करीब होती है और हमें ये लगता है या महसूस होता है रेदर कि ये सांसें शायद हमारे लिए ही लिया जा रहा है, तो हमें अच्छा लगता है। एक फीलिंग होती है कि देयर आर सम पीपल और देयर इज समवन हु टेक्स केयर ऑफ मी। दोस्तों आज से अभी से अपने दोस्तों को एक बार हग करिए, या फिर फैमिली मेंबर्स ऑल्सो एक बार हग करना है। जो दूसरा बंदा है ही इज नॉट सेल्फ ग्रोन, वो लाइफलाइन का व्यूअर नहीं हो सकता है, बट आप हो, आप एक बार उनको हग करो और पूछो कि कैसा महसूस होता है, या फिर आप खुद सोचो कि उन्हें कैसा लगता है। मैं बेटे से हफ्ते में एक बार मिलता हूं, लौटते समय एक बार हग वो तो बनता ही है नॉर्मली, बट हग करके मैं अगर बोलता हूं कि याद है बचपन में मैं ये कहता था कि तेरा हार्ट बीट से मैं अपने हार्ट बीट को चार्ज कराता हूं, उस समय मुझे जरूरत नहीं थी चार्जिंग कराने का, आज मुझे जरूरत है। तो बेटा जब जब तुझे मौका मिले एक बार मुझे हग जरूर करना और मेरे हार्ट को चार्ज करा देना। दोस्तों ये कोई कहने वाली या सीखने वाली बात नहीं है, ये महसूस करने वाली बात है। तो हगिंग और टच थेरेपी इज अ वेरी गुड ह्यूमन क्वालिटी जो हम एक दूसरे को दे सकते हैं। इफ वी से आई केयर फॉर यू रेदर सेइंग सो कैन वी हग, और हग करके कभी भी जिंदगी में मुसीबत हो तो मुझे याद कर लेना, या फिर कभी कभी बीच बीच में आते रहना अच्छा लगता है ऐसा कहना, वो बंदा तो खुश होगा ही, और जैसे ही उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो खुशी जाएगी। देखिए ईश्वर को मानना न मानना अलग बात होती है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तो है जिसको हम आत्मा भी कह सकते हैं, तो वो जैसे ही खुश होगा तो आत्मा, उसकी आत्मा हमें दुआएं देंगी। वो दुआ ही जरूरत है, पैसे नहीं, खुश रहने के लिए। एंड दैट्स वाई वी ऑल द सेल्फ ग्रोथ पीपल ऑल द व्यूअर्स ऑफ लाइफ लाइन आर वेरी हैप्पी बिकॉज वी आर सेल्फ ग्रोथ एंड आवर टैगलाइन इज खुशियां बटोरे खुशियां बिखेरे। केवल खुद खुश रहना नहीं, सबको खुश रखना है। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम गिविंग अ स्माइल टू एवरीवन, पर्टिकुलर इन द मॉर्निंग। कीप स्माइलिंग ऑलवेज, मे व्हाटएवर हैपेंस। दिन भर में बहुत कुछ काम आता रहेगा, होता रहेगा, बुरे भी होंगे अच्छे भी होंगे, नेवर माइंड, कीप स्माइलिंग। वो आपको भी खुश रखेगा, स्वस्थ रखेगा, दूसरों को भी खुशी होगी आपसे मिलकर। एंड वी लुक वेरी ब्यूटीफुल व्हेन वी स्माइल। यस
विश यू अ वेरी हैप्पी संडे. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू बकवास. करवट में सिमट